जल्दी से वृंदा के पास में बढ़ते हैं, प्रविश्य वृंदा, इतने में वृंदा प्रवेश करती है, माने वृंदा रंगमंच पर आती हैं और वृंदा कह रही हैं कि बहुत सुवर विलोकित सर्वार्थास्मि तत् अलं तत् वार्तया, तुमको कोई व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, ये सारी जो कुछ भी घटना हो गई है वो सब मुझे पता है। अर्थात श्री राधिका अभिसार कर रही थी, बीच में ही एक बाधा आ गई, अभिमन्यु ने कहा कि देवी की पूजा करनी है, उसकी तैयारी करने के लिए राधिका के द्वारा देवी की पूजा करवा दो, तो आदेश को प्राप्त करके श्री राधिका को अभिसार बीच में ही रोक करके कहीं देवी पूजन के लिए वो जो आदेश है उस आदेश का पालन करने के लिए उनको जाना पड़ा होगा और वे दुखी हो रही हैं। तो ये सब बताने की जरूरत नहीं है, इस समय जाना कि विलोकित सर्वार्थास्मि, मैंने सब चीज देखी हुई है, वंशी कैसे गई, कैसे मिली, कहां से मिली, अब वंशी तो मिलने वाली तो यही है, इन्होंने कखटी बदरिया को सिखा करके भेजा था, वृंदा जी नहीं तो, और बीच में भी क्या हुआ, राधिका कहां अभिसार कर रही थी, कैसे अभिसार में बाधा पड़ी, इस बात को भी जान लिया। इसलिए अलंत बात है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। सुबल कह रही है वृंदे त्वरे तमे ही बेणुम एवोपहारावः, जल्दी से आओ श्याम सुंदर को अब ये वेणु हम उनके हाथ में दे, श्याम सुंदर तक वेणु पहुंचानी चाहिए। ऐसा कहकर के इत्युभौ परिक्रामतः, दोनों उस समय चलते हैं और चल करके उस समय श्याम सुंदर के पास में पहुंचते हैं। वृंदे मुहु मधुमंगल, अरे वृंदा देख देख मधुमंगल के साथ में वर्धितो कंठा, जिनकी उत्कंठा बढ़ रही है, ऐसे श्री श्याम सुंदर मार्ग देखते हुए, श्री राधिका का मार्ग देखते हुए यहां विराजमान है। तब न जाने अकर्तार्थानां अस्माकं तत्र गमने का तस्य दशा भवे, हाय हम दोनों अकृतार्थ हैं, अर्थात राधिका को लेकर के श्याम सुंदर के पास में अभिसार नहीं करा पा रहे हैं। हमने प्रयत्न तो ये किया था कि श्री राधिका का कृष्ण के पास में अभिसार हो जाए, परंतु हाय हम अकृतार्थ हैं, हम अपने काम में बाधा आ गई, बीच में ही ये कहां से वो मंगला चंडी की पूजा वाला एक झमेला बीच में आ गया, इसलिए यदि हम खाली हाथ जाएंगे तो जाने श्याम सुंदर की क्या दशा होगी। जो भी हो, वृंदा जी कह रही है सुवल सत्यम ब्रविषि, तू सत्य कह रहा है, पश्चायन पुन्नाग तरो कंठे समुत्कंठते कंसारी, आह देखो श्री श्याम सुंदर पुन्नाग वृक्ष के पास में बैठे हुए उत्कंठित हो रहे हैं। ऐसा कहकर के दोनों श्याम सुंदर के पास में पहुंचते हैं। सुवल कह रहे हैं कि वृंदे भ्राम चिंता युक्त, देखो मैं तुमसे एक युक्ति कहता हूं उसको सुनो। वृंदा जी विमुष्य विचार करती हैं, बोल सुवल गोविंद से क्षण विनोदाय चिंत तो पायास्मी तद ए ही निष्पत्ते बेशम भजामा। अब गोविंद का मनोविनोद करने के लिए हम कोई उपाय करते हैं, अब हम गोविंद का मनोविनोद करने के लिए बेशम भजामा बेश धारण करें। वृंदावन में कई मंदिरों में समंदरों में सुवल बेश के दर्शन होते हैं, सब लोगों ने किए होंगे सुवल बेश के दर्शन। अब यहां से एक नई प्रक्रिया उत्पन्न हुई, एक प्रक्रिया माने एक छोटी घटना वो उपस्थित हो रही है, पर ये प्रक्रिया क्या है इसको भी थोड़ा सा समझ लेना चाहिए, उसे रस का उस ग्रंथ के तात्पर्य को समझने में सुविधा होगी। नाटक में जो कथा भाग होता है वो कथा भाग तीन प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, अंक पताका और प्रकृति।
अंक उसे कहते हैं जहां पर नायक नायिका मुख्य रूप से रंगमंच पर कोई उनकी कथा साक्षात प्रस्तुत की जाए, जो मुख्य कथा को साक्षात नायक नायिका की उपस्थिति में जो प्रस्तुत किया जाए उसका नाम है अंक। इस अंक के साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है कि एक सहायक कथा चलती है, उस सहायक कथा का नाम है पताक। जैसे रामलीला में श्री रामायण जी में राम की कथा, वो तो मुख्य कथा है, परंतु राम की कथा के साथ साथ बीच में एक कथा आ गई, वो सुग्रीव की आ गई। उस सुग्रीव की कथा को हम कहेंगे पताक, उसका नाम पताक है। माने एक मुख्य कथा चल रही है, उसके साथ साथ एक सहायक कथा भी काफी देर तक चले, उसका नाम है पताक। पुकरी वो कथा है जो कि बहुत थोड़ी से समय के लिए चले और उसके बाद में समाप्त हो जाए। जैसे श्री रामायण जी में श्री भीरनी शबरी जी, उन शबरी जी की जो कथा है उसको हम प्रकरी कहेंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट, माने तीनों दृष्टांत से स्पष्ट हो जाएगा। राम की कथा है मुख्य कथा, उसको हम कहेंगे अंक। सुग्रीव को कैसे निकाल दिया गया, सुग्रीव के साथ में क्या, बाली के साथ में कैसे युद्ध हुआ, फिर बाली का वध हुआ, बाली का वध होने के बाद में सुग्रीव को राज्य मिला, फिर उसके राज्य में भी हनुमान श्री लक्ष्मण लाल ने क्रोध किया और उसके राज्य से उसको वंचित करना चाहा, पर घबरा गया। तब श्री रामचंद्र जी की सहायता करने के लिए सुग्रीव ने सेना भेजी और उस सेना के साथ में तब सुग्रीव अपने राज्य को सुस्थित करते हुए विराजमान हुआ। तो सुग्रीव की जो कथा है वो रामायण में हो गई पताक, जो बहुत दूर तक चलती है, वो स्टोरी के रूप में सहायक कथा के रूप में चलती है, उसका नाम होता है पताक। और जो बहुत थोड़े से समय चलती है उसका नाम है प्रकरी। श्री विदग्ध माधव नाटक में श्री प्रियालाल की जो मधुर लीला उसका वर्णन है, उसका नाम है अंक। इसके साथ साथ श्री चंद्रावली जी की कथा बीच में जुड़ जाएगी और चंद्रावली जी के साथ में भी श्री श्याम सुंदर का मिलन होगा, वो जो कथा है उसका नाम है पताका। और उस पताका के साथ साथ कभी बंशी चोरी की कथा, कभी जो सुबल वेश उसको धारण करके कथा, ये छोटी छोटी सी जो कथाएं हैं वो और आती हुई चली जाएंगे। तो इन वृत्तों का नाम, उनका नाम है प्रकृति। तो यहां पर एक नई प्रकृति प्रस्तुत की जा रही है कि कह रहे हैं कि श्याम सुंदर का क्षण विनोद करने के लिए अब हम एक काम करते हैं कि तन्निष्पत्ते वेशम भजामः, हम वेश धारण करते हैं और सुबल और वृंदा ये दोनों चले जाते हैं। अब लीला में एक अद्भुतता है, एक चमत्कार है वृंदा ब्रज की लीला में कि सुबल जी की, सुबल की उन्हार राधा रानी से बहुत मिलती है, इसलिए सखीगण सुबल को कई बार राधिका का वेश धारण करा करके श्याम सुंदर के विरह को शांत कर देती हैं, तो वो सुबल वेश कहलाता है, सुबल को राधिका का वेश धारण कर। अच्छा, वृंदा जी की जो मुख भंगिमा है वो उन्हार है, वो श्याम सुंदर से बहुत ज्यादा मिलती है। वृंदा जी वैसे भी श्याम है तो रंग रूप कॉम्प्लेक्शन ये सब श्याम सुंदर से ज्यादा मिलता है, तो वृंदापुर को वेश धारण करा दिया जाता है श्री कृष्ण का और सुवल को वेश धारण करा दिया जाता है श्री राधा रानी का। और राधा रानी का वेश धारण करा करके एक ऐसा भ्रम उत्पन्न किया जाता है कि सुवल और वृंदा ये दोनों वेश बदल करके जानबूझ करके हैरान करने के लिए ठीक जटला के घर के आसपास ही घूमते हैं और जटला कहती है आज मुझे मौका मिल गया, आज मैंने राधा कृष्ण इन दोनों को पकड़ लिया और इनको पकड़ करके अभी गुर्जरों की सभा में पंचायत बुला करके पंचायत की सभा में मैं
भेजूंगी। और ऐसा कहकर के दोनों को पकड़ करके पंचों की सभा में ले जाती है और पंचों की सभा में ले जाकर कहते हैं, देखो तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करती थी, ये नंद को ढोटा ऐसा जो मेरी बधू उनके ऊपर भी कलंक लगा दे, और आज मैं देखो पकड़ के ले आई इनके सामने, तुम दोनों के सामने, सबके सामने, पंचायत के सामने। और ऐसे जो कहे सब देखने लगे और इतने भी सुवल और वृंदा ये दोनों ताली बजा करके अंगूठा दिखा करके सुवल अपना वेश उतार दे और वृंदा अपना वेश उतार दे, और सब कहे बोले अरे ये बालक तो वृंदावन के मस्त बालक हैं, ये तो नए ऐसे ऐसे खेल करे, तू जबरदस्ती हमारे कृष्ण को दोष मत लगा। और ये जो भ्रम है, ये भ्रम इतना काम में आता है कि जहां असली राधा कृष्ण है उनको देख करके वृंदा जटला को भी सदा संदेह रहता है कि अरे इनको पकड़ू के नहीं, कहीं ऐसा नहीं हो कि पहले इसे फजीती हो गई, ऐसे दोबारा फजीती हो जाए। तो इस तरह से सुवल वेश बना करके ये जो अपूर्व प्रीति है, जो वारिमानता पूर्व प्रीति है, उस वारिमानता पूर्व प्रीति उसकी अपूर्व वृद्धि करते हुए विराजमान होते हैं। तो यहाँ पर एक लीला प्रकृति जो है वो प्रकृति के अंतर्गत पताका के अंतर्गत तो श्री चंद्रावली जी का प्रेम वर्णन किया जाएगा आगे के अध्याय छठे अंक में, श्री चंद्रावली जी का जो प्रेम है उसका निरूपण किया जाएगा, परंतु प्रकृति के रूप में यहां पर ये बैंशी चोरी की लीला। और बैंशी कैसे मिली, मैंने कुछ दूर तक चले और कुछ दूर में ही वो कथा पूरी हो जाए, उसका नाम प्रक्रिया है। और इसी तरह से ये सुवल वेश की जो लीला है वो सुवल वेश की लीला का यहां निरूपण कर रहे हैं, अनेक अनेक लीला विश्व ब्रज में वो सुवल वेश की जो लीला है उसका प्रारंभ कर रहे हैं। तो कह रहे तम निष्पत्ति वेशम भजामा, उसका निरूपण करने के लिए हम वेश धारण कर रहे हैं। ये खूब ब्रज में तमाशा चलता है, श्री किशोरी जी यदि ज्यादा मांग कर ले तो किशोरी जी के मांग को मनाने के लिए उस समय श्याम सुंदर कभी श्यामा सखी का वेश धारण करके आ जाए, ये कभी श्री प्रिया जी आप पधारी हैं श्री बरसाने में, अब श्याम सुंदर वे विराजमान है नंदगांव में, अब शिवप्रिया जी पहली तीज के दिन, माने सावन जब आएगा तो सावन की जो पहली तीज है उस पहली तीज के दिन श्री प्रिया जी पधारेंगे पीहर, माने बरसाने, अब बरसाने पधारेंगे वहां पर कृष्ण मिलन के लिए व्याकुल हो रही है, कभी जावट में कभी बरसाने में जैसे निवास कर रही है, तो वहां पर जो विराजमान हो रही है उसमें श्री प्रिया कोई तोता जो है उस तोता को दूत बना करके श्याम सुंदर के पास में संदेश भेजते हैं। रसकों की वाणी में ये सावन की लीला में ही वो लीला है, और तोता को दूत बना करके श्याम सुंदर से कह रही है कि अरे तोता ये मेरी पत्रिका ले जा और श्याम सुंदर को दे दे, और उस समय वो तोता के माध्यम से शुक के माध्यम से पत्रिका श्याम सुंदर के पास में पहुंचाती है, और श्याम सुंदर उस समय आते हैं, परंतु सखीगण झूला झूल नहीं है, वहां पर पुरुष का प्रवेश नहीं है, या सखीगण कभी सांझी खेल रही है, अब सांझी लीला ऐसी कि उसमें पुरुष का प्रवेश नहीं है, पुरुष जाति का केवल महिला ही लड़कियां ही वहां पर सांझी पूजन करेंगी, संध्या पूजन करेंगी, तब श्री श्याम सुंदर उनको वेश बदल करके श्री श्याम सुंदर भी श्री किशोर जी के साथ में मिलते हैं, और वेश बदल करके श्री श्याम सुंदर आते हैं और कह रही हैं कि अरे सखी तू तो बड़ी सुंदर है, कौन गांव है, कह रही है मेरा गांव नंद गांव है, तुम्हारे गुणन को सुन के आई हूं। और सारी सखी कह रही है बोली नई सखी आई है इसको मान प्रदान करो, मान प्रदान करने के लिए श्री प्रिया जी उस समय श्री श्याम सुंदर को अपने साथ जोड़ी में विराजमान करके हिडोरा झुलाती हुई विराजमान होती है।
खेल करते हुए विराजमान होते हैं, ऐसे कभी छंद वेश धारण करके, कभी श्री श्याम सुंदर मन हादिन बन करके पढ़ा रहे, श्री ध्रुवदास जी ने बहुत सारी लीलाएं वर्णन की, 84 जो विभिन्न लीलाएं हैं उन लीलाओं में बहुत सारी, और श्री रूप गोस्वामी जी यहां पर बहुत सारी लीलाएं वर्णन कर रहे हैं, तो उन विभिन्न लीलाओं में जो श्याम सुंदर जो हैं वो कभी मनिहारिन बन करके, मनिहारिन बन जो चूड़ी पहनाती है, श्री मनिहारिन बन करके आए और शिवप्रिया जी को चूड़ी धारण कराए, कभी मालिन बन करके, कभी नाइन बन करके प्रिया जी के चरणारविंद में तेल लगाने के लिए, प्रिया जी के चरणारविंद में अलता लगाने के लिए श्री श्याम सुंदर पधारे। तो ये विभिन्न जो लीलाएं हैं वो विभिन्न लीलाएं विराजमान, तो यहां पर श्री श्याम सुंदर उनको ये सखीगण ही नया वेश जो है वो बना, इनमें कुंद लता जी वे श्याम सुंदर को बिल्कुल तुरंत वेश धारण करा दे, कुंद लता जी बहुत चतुर है और कुंद लता जी संकोच भी नहीं है, तो कुंद लता जी वे श्री श्याम सुंदर को सुंदर वेश ला करके और वेश धारण कराती हुई विराजमान हो जाए। तो यहां पर आगे इसी सुवल वेश की जो लीला है उसका आगे प्रसंग में निरूपण किया जाए। तो ये दोनों तो निकल गए वृंदाव सुवल वेश धारण करने के लिए, इधर श्री कृष्ण परम उत्सुक होकर के विराजमान है और कह रहे हैं राधा पुरस्फुरति पश्चिम तश्च राधा, राधा ते सव्य में दक्षिण तश्च राधा, राधा खलु क्षति तले गगने च राधा, राधा मई मम बभू उतस्त लोकी। बोले ये क्या हो रहा है, सामने देखता हूं तो मुझे श्री राधिका दिखती है, यदि पीछे देखता हूं तो मुझे श्री राधिका दिखती है, यदि अधिसव्य मैंने सव्य दिशा में बाई दिशा में देखता हूं तो मुझे राधा दिखती है, दाहिनी दिशा में देखता हूं तो मुझे राधा दिखती है, पृथ्वी पर देखता हूं तो राधा दिखती है, आकाश में देखता हूं तो भी राधा दिखती है, तो राधा क्षरु खलु क्षति तले गगने च राधा, राधा मई मम बभू कुतस्त लोकी, आज त्रिलोकी ही मेरे लिए राधा मई हो रही है, आगे सभी माने वायु और दक्षिण माने दक्षिण, सभी जगह राधा ही दिख रही है। मधुमंगल कह रहे हैं कि प्रिवेश्य भवत्याः सारिताम् इदानीम् एव प्रेक्षिष्ये राधिकाम्। मैंने सुना है कि श्री पौर्णमासी जी ने राधिका को ललिता के साथ में तुम्हारे पास में अभिसार कराया है, इसलिए घबराओ मत घबराओ मत, अभी श्री राधिका यहां आती ही होंगी। कृष्ण व्याकुल होकर के कह रहे हैं करेणांतस्तुष्ट्या सललित ममत अवष्टम ये ललता कामुष्ठम राधा भृशम अभिसरंती सरभसम किमद्यस्मेराक्षी स्मर परिमलोल्लास बलय ध्वनिर्माम निर्मास्यति अनुपम चमत्कार चक्रम। बोले हाय वो समय कब होगा जबकि मैं श्री प्रिया का दर्शन करूंगा, श्री श्यामा जी का मैं दर्शन करूंगा। श्री श्याम सुंदर एकदम व्याकुल हो रहे हैं कि करेण अंतस्तुष्ट्या कब वो अवसर होगा कि श्री किशोरी जो आ रही होंगी, श्री श्यामा जी आ रही होंगी और मैं उनकी उस शोभा का दर्शन करूंगा कि अंतस्तुष्ट्या वे अपने हृदय में अपूर्व से संतोष धारण किए होंगे कि आज प्यारे से मिलन करने के लिए मैं जा रही हूं, ये मन में संतोष धारण करके करेण अपने हाथ से स ललितम अवष्टम भी ललता कांगुष्ठम श्री ललता जी का परम सुंदर जो अंगुष्ठ है उस अंगुष्ठ को पकड़ करके भृशम अभिसरंती सर्वसम कब श्री मैं अभिसरंती अभिसार करती हुई श्री राधिका का दर्शन करूंगी। श्री
किशोर ऋतु के हृदय में परम उल्लास, उस उल्लास में सखी संग संग चल रही है अभिसार करते हुए। अभिसार में सबसे आगे श्री वृंदा जी मार्ग करती हुई चलती है, फिर इसके बाद में श्री ललिता और विशाखा, इनमें श्री विशाखा वे श्री प्रिया जी के दाहिनी ओर और श्री ललिता जी प्रिया जी के बाईं ओर। और उस समय श्री ललिता का जो हाथ है अंगुष्ठ, उसको श्री प्रिया अपने हाथ में पकड़े हुए, ललिता का हाथ है तो उसको श्री प्रिया अपने हाथ में पकड़ करके चल रही है। श्री ललिता थोड़ी से आगे चल रही है, विशाखा पीछे चलती है। श्री विशाखा के कान में लग करके श्री किशोर जी को अभिसार करते समय श्याम सुंदर के गुणानुवाद का कुछ गायन करती हुई विराजमान, और जो हृदय में बात आती है उसको कभी ललिता से और विशेष रूप से श्री विशाखा के कान में कहती हुई अभिसार करती है। अब ललिता के आगे थोड़ी आगे, ललिता विशाखा के थोड़ी आगे श्री रंग देवी जी, अश्वर देवी जी, श्री बीच में किशोरी जो दोनों ललिता विशाखा, उनके थोड़े आगे श्री रंगदेवी जी, सूर्य देवी जी, पीछे श्री चित्रा जी और तुंग विद्या जी, उनके पीछे श्री दो और जो सखी हैं वे तामूल भक्तो ललताम विशाखाम गंधचंदने चामरे चंपकलताम श्री चंपकलता जी, चित्रां बसंत कर्मणि और श्री चित्रा जी, ये दो सखी पीछे, ऐसे आठ सखियों का पूरा घेरा बन करके श्री प्रिया जी आप श्री दुखज मंदिर में अभिशाप करती हुई पकड़, और उनके पीछे मध्यान्ह काल है तो श्री रूप मंजिल जी अपने हाथ में सूर्य पूजन की थाली लेकर के पकड़, और यदि रात्रिकालीन अवसार है, प्रदोषकालीन अवसार है, तो प्रदोषकालीन अवसार में श्री रूपमंजरी जी श्री प्रिया जी के ऊपर चमर करती हुई पकड़, और उनके पीछे श्री परात्पर गुरुमंजरी, परात्पर गुरुमंजरी के पीछे परम गुरुमंजरी, परम गुरुमंजरी के पीछे श्रीमद गुरुमंजरी, और गुरुमंजरी के पीछे सेवा करती हुई उनके आदेश का पालन करती हुई नवदासी, ये श्री प्रियालाल को अभिसार कराती हुई विराजमान। श्री श्याम सुंदर किशोरी जी की वो जो अभिसार की शोभा है, उस अभिसार की शोभा का आप विचार करते हुए दर्शन करते हुए विराजमान होते हैं और कह रहे हैं कि करेण अंतस्पुष्टिया, भीतर श्री प्रिया में अत्यंत अत्यंत उल्लास है कि आ प्यारे का दर्शन होगा, प्यारे का दर्शन होगा, तो प्यारे के दर्शन के अति उल्लास में करें माने अपने श्री हस्त से अपने जो बाएं श्री हस्त है उस बाएं श्री हस्त से नहीं दाहिने श्री हस्त से ललितम अवस्तक में ललताम, श्री ललिता के ललितम ललिता का अंगुष्ठम, ललिता का जो हाथ का अंगुष्ठ है उसको ग्रहण करते हुए श्री राधिका पधारती है। जहां भी गोविंद विग्रह रस जिन्होंने दर्शन किए, गोविंद विग्रह श्री गोविंद विग्रह के साथ में श्री प्रिया जी को पधराया गया, वो जो प्रिया जी का स्वरूप है उसमें एक हाथ दाहिना हाथ वो श्री श्याम सुंदर को कहीं तांबूल समर्पण, और दूसरा हाथ जो है वो नित्य मुद्रा, श्री गोविंद देव के साथ में जो श्री विग्रह विराजमान है वहां पर दाहिने हाथ में बीड़ा समर्पण की जो मुद्रा, तांबूल समर्पण मुद्रा, और द्वितीय हाथ जो है वो नृत्य करते हुए श्री प्रिया जी के प्राय जो स्वरूप है वो प्राय स्वरूप दाहिने हाथ से तांबूल समर्पण और बाएं हाथ से नृत्य करते हुए।
अभिशाप में वो दाहिना हाथ जो है वो कहीं विराजमान है और दाहिने हाथ की तरफ श्री विशाखा जी और नहीं दाहिने हाथ की तरफ श्री ललता जी है, तो ललता जी का अंगूठा पकड़ा हुआ है और बाएं हाथ जो है उनसे बाएं तरफ श्री विशाखा जी है, उनके साथ में श्री श्याम सुंदर की मधुर चर्चा करते हुए श्री राधिका उस समय अभिसार करती हुई विराजमान। शुक्लाभिसार का या कृष्णाभिसार का, कृष्णाभिसार का स्वरूप पहले वर्णन करे आई। अब ये मध्यान्ह मिलन की बात है, यहाँ पर प्रसंग जो चल रहा है वो मध्यान्ह मिलन का। मध्यान्ह मिलन में श्री प्रिया जी पढ़ा रही है और जितनी भी सखीगण है वे पढ़ाने की तो उसका ही ध्यान कर रहे हैं। करेण हम तस्तुष्ट्या, बड़ा सुंदर ये प्रिया जी की जो छवि है वो बड़ी सुंदर है श्लोक में कि करेण हम तस्तुष्ट्या, भीतर अपूर्व से आनंद है और अपने हाथ से सललतम अवश्य ललता, दाहिने हाथ से श्री ललता उनको पकड़ करके ललता के सरस अंगुष्ठम अंगूठे को पकड़ करके भृषम अभिसरंती सर्वसम, श्री प्रिया उस समय अत्यंत अत्यंत सर्वसम शीघ्रता से चल रही है, परंतु आनंद इतना ज्यादा है कि शीघ्रता करने पर भी चाल नहीं बढ़ रही है, चाल वो ही मंद मंथर है, परंतु शीघ्रता से कैसे दौड़ करके प्यारे के पास में पहुंच जाऊं, ये हृदय में अपूर्व उल्लास विराजमान है। कि मध्यस्मेराक्षी निर्मासी निर्मास्यति अनुप चमत्कार चक्रम किमिस्म खेरा स्मर परमलोल्लास वलय ध्वनि, उन स्मेराक्षी श्री प्रिया मंद मंद मुस्करा रही होंगी और स्मर परिमल उल्लसी उल्लास वलय ध्वनि और प्रेम के परिमल माने सुगंध को प्रकट करने वाली, प्रेम के भाव को प्रकट करने वाली जिनके वलय ध्वनि जिनके आभूषण भी ध्वनि करते हुए, वलय माने चूड़ी, प्रिया ने जो चूड़ी धारण कर रखी है उन चूड़ियों की ध्वनि अपूर्व रूप से आनंद करती हुई उल्लास प्रकट करती हुई पधार रही होंगी, ऐसी वो श्री प्रिया तो किम अद्य स्मेराक्षी जिनके नयनों में मुस्कान विराजमान है, स्मर परमल प्रेम की उल्लास के कारण उल्लसी उल्लास वलय ध्वनि चूड़ियों की और आभूषणों का सिंजन सर्वत्र सर्वत्र प्रकाशित हो रहा है, ऐसी मां निर्मास्यति अनुपम चमत्कार चकलम, वे श्री प्रिया क्या मुझे अनुपम चमत्कार से युक्त बनाएगी, अर्थात प्रिया का मैं कब दर्शन करूंगा और मेरे हृदय में अपूर्व चमत्कार प्रकट होगा। इतने में ही मधुमंगल कह रहे हैं कि माँ उत्तम हसो भैया कन्हैया ज्यादा व्याकुल मत हो, व्याकुल मत हो, देख कंकण झनत्कार श्रूयते, कंकण का झनत्कार सुनाई दे रहा है और ऐसी इतने में नेपथ्य नेपथ्य से आवाज आती है कि हलाल ललते पश्य सयेष पुन्नाग वृक्षो दृश्यते, देख देख यही पुन्नाग वृक्ष दिख रहा है, पुनः तत्रैव फिर नेपथ्य से आवाज आती है कि सखे राधे दृष्ट भ्रमर जलकृतम पश्यैनम तत्क्षणम एहि प्रतिष्ठामः, देख दृष्ट भोरा कैसी जल्पना करते हुए विराजमान है, हम यहाँ ही रुक करके देखती हैं। मधुमंगल चपल होकर के कहते हैं वो प्रिय वैसे वाम तक तुम पश्यति बाई ओर क्या देख रहा है, देख ललताया साधन राधिका समागता, ललता के साथ में श्री राधिका यहाँ आ गई है, वो कस्मान वितरिष्य तव्यम, श्री कृष्ण उस समय व्याकुल हो रहे हैं उत्कंठित होके दृष्टिया साक्षात अद्य मदीक्षो सूक्ष्म विस्तारयते सक्षा, आहा आज मेरी आंखों के लिए साक्षात सुख ही मूर्तमान होकर के सामने आ गया है। मधुमंगल एक दमकर्म के साथ में कह रहे हैं कि वो कि हे मित्र सामने नहीं देख रहे हो,
न विस्तारे तव्यम यत्रा विदग्धो दूतोऽस्मि। अरे तुमको सुख क्यों नहीं मिलेगा, आखिर में मैं हूं ना। कि मधुमंगल अपनी अपनी बड़ाई जरूर करेगा। तो मधुमंगल अपनी बड़ाई बोले मेरे दूत दंत करने के कारण ये सुख का तुमको विस्तार हो रहा है। जहां पर मैं हूं वहां पर तो सुख प्राप्त होगा, मैं जिसका दूत हूं उसको क्या सुख नहीं मिलेगा क्या। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सखे पुरस्थोयम पुरस्थयो अपि मत प्रियो अव्यनिकता नाद्यापि अवधारिता तद अभ्याम न संधीयते। बोले पुरस्थिति हो अपि मत प्रिय हो, मेरे सामने दोनों श्री राधिका ये सब विराजमान हैं, फिर भी तुम जो कह रहे हो वो अव्यनिकता नाद्यापि अवधारिता, इनकी सत्यता को मैंने अभी तक नहीं जाना। यद अभ्याम न संधीयते, क्योंकि इन दोनों को मैं पहचान नहीं पाया। लता के साथ में जो श्री राधिका आ रही हैं उनको मैं पूरी तरह से पहचान नहीं पाया। सामने भी आ गई थी परंतु मैं उनको पहचान नहीं पाया। कह रहे हैं इस ये सुनकर के मधुमंगल कह रहे हैं कि प्रियवयस्य सुष्टु प्रसन्नाम राधिकाम जानहि। देखो श्री राधिका बड़ी प्रसन्न है, राधिका अत्यंत प्रसन्न होकर के विराजमान। तत्सातकान चलच्छादिता मुरली झलयति झलकति, उनके साड़ी के में छिपी हुई मुरली भी विराजमान है, तो मुरली के सामने दिख रही है। ऐसे जब कहा इस समय विधुरे देवा विरूपताम शतपत्रम वत्सर्वरी मुखे इतिकेन सदाश्रियोल ज्वलम तुलनाम रहति मत प्रिया। श्री प्रिया का मुख दर्शन करके कहते हैं कि विधुरे देवा विरूपताम, हे प्रिय तुम्हारी शोभा का कोई उत्तर नहीं है, समानता नहीं है। विधुएत दिवा विरूपता, चंद्रमा तो दिन में विरूप हो जाता है, फीका पड़ जाता है, और शतपत्रम बत शर्वरी मुखे, यदि तुम्हारे मुख की तुलना में शतपत्र माने कमल से करूं तो वो भी उचित नहीं होगा, क्योंकि कमल रात्रि के समय फीका पड़ जाता है, दिन में चंद्रमा फीका पड़ जाता है, रात्रि के समय शतपत्र माने कमल फीका पड़ जाता है। इतकेन सदा श्रीउज्ज्वलम, परंतु हे श्री राधिके आपका मुख सदा शोभा से उज्ज्वल रहता है। ऐसे केन तुम नाम अर्हति मत प्रियानुगम।